वेलकम टू टेक्निकल बालाजी नाउ कंप्यूटर। दोस्तों, आप अगर पबजी लवर हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी खेलते हो तो दोस्तों आपके आंखों पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों इससे कैसे बचा जा सकता है उसकी भी वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आजकल ज़माने में कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर कोई करता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन का 10 से 11 घंटे के बीच में हर कोई इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों वो गलत है। सरासर 10 11 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना गलत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल को 10 से 11 घंटे यूज करते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। दोस्तों, आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, हम रात में जब भी मोबाइल देखते हैं तो हमारी आँखों के नीचे की तरफ सूजन आने लगता है। उसके कारण हमारी आँखें दर्द करने लगती हैं, हमारा कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों, हमारी आँखों में सूजन आने लगता है हम रात में अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों, हमें रात में मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम रात में इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। दोस्तों अगर हम जब भी रात में मोबाइल का इस्तेमाल करें तो दोस्तों हमारी आँखें पर बहुत ही डेंजर इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, हम 1 से 12 घंटे मोबाइल का रात में इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। दोस्तों, हम 10 से 20 मिनट तक की मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 10 से 20 मिनट के तक ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर दोस्तों हम 1 से 2 घंटा का यूज़ करेंगे मोबाइल का, दोस्तों हमारे आँखों में बहुत ही तगड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे हमारी आँखों को भी ख़राब हो सकता है। दोस्तों, हमें दिखना भी बहुत कम हो सकता है, जिससे हमारी आँखों में भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा जो भी पबजी लवर दोस्तों गेमर्स होते हैं बड़े बड़े, वो हमेशा पबजी खेलते रहते हैं कंप्यूटर में मोबाइल में। दोस्तों, में 3 से 5 घंटे वो पबजी खेलते रहते हैं, ये सरासर गलत है। दोस्तों, में 10 से 50 मिनट के बीच में पबजी खेलना चाहिए। दोस्तों, रेगुलर पबजी खेलेंगे तो दोस्तों हमारी आँखों पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। दोस्तों, हमें ज़्यादा पबजी के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमें लत लग जाती है पबजी की, हमें पबजी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, अगर पबजी लवर हो तो दोस्तों मुझे माफ़ करना, आपके ऐसे खेल रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी पबजी खेलते हो तो आप कम कर दीजिए खेलना पबजी। दोस्तों, अगर आप भी रेगुलर पबजी खेलते हो तो आपकी आँखों पे का लेंस बहुत ही बारीक होने लगता है और आपको दिखना भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, आपका लेंस होता है वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। दोस्तों, और आपको आँखों में दिखना बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। और दोस्तों, हमारी आँखों में लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये खून है। दोस्तों, हमारे आँखों के अंदर की सूजन आने के कारण दोस्तों में हमारी आँखों को आराम नहीं मिल पाता। दोस्तों, में रात में नींद नहीं आती है। दोस्तों, हमारी मानसिक शक्ति भी याद करने की बहुत ही कम हो जाती है मोबाइल के इस्तेमाल से। जी हाँ दोस्तों, अगर हमको कंप्यूटर या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नाइट में दोस्तों हमारी सोचने की याद करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, अब सोच रहे हो कि दोस्तों इसका बच्चे कैसे है, तो दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ टिप्स लाया हूँ, तो दोस्तों इसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद में आप इनको फॉलो करिए रेगुलर, जिससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, टिप नंबर पहली बात कर लेते हैं, दोस्तों मोबाइल का दूर से इस्तेमाल करें। दोस्तों, पास से कभी नहीं इस्तेमाल करें अपने मोबाइल को। जो गेमर्स होते हैं जो दोस्तों अपने मोबाइल को पास रखते हैं, दोस्तों में दूर रख के मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, टिप नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, दोस्तों ब्राइटनेस को हमें बिल्कुल कम रखना चाहिए, 0 लेवल पे। और दोस्तों, में बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर हम बढ़ा के रखेंगे दोस्तों हमारी आँखों में बहुत ही तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी आँखें ख़राब भी हो सकती है। दोस्तों अक्सर आप YouTube वीडियो जरूर देखते होंगे। दोस्तों, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो YouTube वीडियो नहीं देखता। दोस्तों, में YouTube वीडियो को ब्लैक नाइट मोड को ऑन कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नाइट मोड ऑन नहीं करना आता है तो दोस्तों इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। The day I met you, I forget just why I left you. I was insane.